नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। ठाकरे परिवार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने के बाद पुराने शिवसैनिक एकनाथ शिंदे ने भले ही बीजेपी की मदद से महाराष्ट्र की सत्ता हथिया ली हो और खुद मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र की सियासत में आया भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये सियासी लड़ाई अब सत्ता शिवसेना के बाद भगवान विट्ठल पर आ गई है। बाल ठाकरे के जमाने से शिवसेना के लिए काम कर रहे एकनाथ शिंदे भी कभी ठाकरे परिवार के खिलाफ बगावत कर देंगे, ये शायद खुद उद्धव ठाकरे ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार से नाराज एकनाथ शिंदे ने पहले सरकार के खिलाफ बगावत की और उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ी। इसके बाद शिवसेना पर अधिकार को लेकर भी ठाकरे और शिंदे के बीच इस कदर लड़ाई छिड़ी कि मामला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तक पहुंच गया। इतना कुछ होने के बावजूद शिंदे और ठाकरे गुट के बीच कलह है कि थमने का नाम नहीं ले रही है और ये कलह अब भगवान विट्ठल पर अटक गई है। दरअसल महाराष्ट्र की सत्ता संभालने के बाद एकनाथ शिंदे अपने डिप्टी और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ सीधे दिल्ली दरबार पहुंच गए और यहां दोनों नेताओं ने सबसे पहले देश के गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। फिर उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और फिर आखिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिंदे और फडणवीस ने मुलाकात की। और मुलाकात की इन पांचों तस्वीरों में एक बात जो सबसे सामान दिखी वो थी भगवान विट्ठलनाथ और माता रुक्मणी की ये मूर्ति। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रपति कोविंद के साथ ही बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, सभी को भगवान विट्ठल और मां रुक्मणी की मूर्ति भेंट की, क्योंकि ये मुलाकात उन्होंने रविवार यानी आज मनाई जा रही आषाढ़ देवसैनी एकादशी से ठीक पहले की थी और इस एकादशी के साथ साथ महाराष्ट्र से भी भगवान विट्ठल और मां रुक्मणी से गहरा नाता है। यही वजह है कि सीएम शिंदे ने देवसैनी एकादशी से ठीक पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भगवान विट्ठल और मां रुक्मणी की मूर्ति भेंट कर महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन शायद ये बात शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत को रास नहीं आई और जिस तरह से वो शिवसेना पर ठाकरे परिवार का अधिकार बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से इस बार बाल ठाकरे और भगवान विट्ठल की तस्वीर ट्विटर पर एक साथ पोस्ट कर ठाकरे परिवार को भगवान विट्ठल का सबसे बड़ा भक्त बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। वैसे तो आषाढ़ देवसैनी एकादशी की शुभकामनाएं हर कोई देता है, लेकिन संजय राउत ने बाला साहब ठाकरे के साथ भगवान विट्ठल की तस्वीर पोस्ट करते हुए विट्ठल 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 लिखा तो इसे शिंदे को करारा जवाब माना गया, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भगवान विट्ठल की मूर्ति भेंट की थी। महाराष्ट्र से है विट्ठल भगवान का गहरा नाता। महाराष्ट्र की सियासत में भगवान विट्ठल की चर्चाएं दरअसल इसीलिए जोर पकड़ने लगी क्योंकि इसी राज्य के सोलापुर जिले के पंढरपुर में भगवान विट्ठल और मां रुक्मणी का भव्य मंदिर है और हर साल आषाढ़ महीने की एकादशी यानी 11वें दिन इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। इस बार ये एकादशी 10 जुलाई यानी आज मनाई जा रही है, तो इस खास मौके पर खुद सीएम एकनाथ शिंदे भी अपनी पत्नी लता शिंदे के साथ मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि भगवान विट्ठल के इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि एक बार भगवान कृष्ण को पुंडलिक नाम से एक युवक के घर जाने का मोह हुआ और जब वो पुंडलिक के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। अपने घर मेहमान बनकर भगवान को देखकर उसे खुशी तो बहुत हुई, लेकिन उसका मन थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ और भगवान कृष्ण को खड़े होने के लिए अपने पास पड़ी एक ईंट देकर फिर से अपने माता पिता की सेवा में लीन हो गया। और फिर माता पिता की सेवा के बाद पुंडलिक ने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी तो भगवान कृष्ण उनकी मातृ पितृ भक्ति देखकर इतने खुश हुए कि पुंडलिक को वर मांगने के लिए कह दिया। लेकिन पुंडलिक ने कहा, भगवान मेरे लिए इंतजार करते रहे, इससे ज्यादा मेरे लिए क्या हो सकता है। मगर फिर भी भगवान कृष्ण ने उनसे वर मांगने के लिए आग्रह किया तो पुंडलिक बोले कि आप पृथ्वी पर निवास करें और यहीं रहकर अपने भक्तों पर अपनी छाया बनाए रखें। कहते हैं तभी से भगवान कृष्ण उसी ईंट पर पंढरपुर क्षेत्र में खड़े हैं। पंढरपुर में स्थित भगवान विट्ठल की ये मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसे किसी भी मूर्तिकार ने नहीं तराशा है और वो अपने अस्तित्व में ही उसी आकार में आई है। इसीलिए न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के तमाम हिंदुओं में विट्ठल भगवान को लेकर गहरी आस्था है।